झांसी में तमंचे के बल पर एक दंपत्ति को लूटने वाले दो शातिर अपराधियों को झांसी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से लूटे गए जेवरात, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस आदि बरामद कर लिए गए हैं। मामला झांसी के रक्षा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम डोमागोर से जुड़ा है। यहाँ रहने वाले कदम सिंह की भांजी की नवाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गुमनावारा में 20 नवंबर को शादी थी। कदम सिंह अपनी पत्नी के साथ भांजी की शादी में गया था। जब वह शादी करके वापस लौट रहा था तभी रक्षा के पास मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने उन्हें रोककर तमंचा लगाया और उनकी पत्नी के सोने के जेवर आदि लूट लिए थे। इसके बाद कदम सिंह ने इस मामले की रिपोर्ट रक्षा थाने में की थी। इसके बाद पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू की। कल रात पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दो शातिर बदमाशों को दबोच लिया। पूछताछ के दौरान पकड़े गए बदमाशों ने अपना नाम सत्यम यादव निवासी ग्राम सिमरा थाना रक्षा तथा राजा यादव निवासी जिगना जिला दतिया मध्य प्रदेश बताया है। बदमाशों के पास से लूटे गए जेवर, तमंचा और दो कारतूस आदि, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। एसपी सिटी के अनुसार पकड़े गए बदमाशों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। फिलहाल आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। रक्षा थाना क्षेत्र में 20 नवंबर को पति पत्नी अपने रिश्तेदारी से आ रहे थे। रास्ते में अपाचे सवार मोटरसाइकिल पे दो लड़कों ने उनके साथ लूट की वारदात की। इसमें अभियोग पंजीकृत कर इस प्रकरण में कार्रवाई की जा रही थी। कल रात को दोनों जो लुटेरे थे वो दोनों अरेस्ट कर लिए गए हैं। इनके पास से लूट के एक लॉकेट, एक मंगलसूत्र और दो झुमके बरामद कर लिए गए हैं। कितनी कीमत का जेवरात बरामद किया, इसके अलावा क्या क्या होगा? ये लगभग 1 लाख से ऊपर के जेवरात। अभी तक कितनी घटना अंजाम दे चुकी है, इसके बारे में पूछताछ की जा रही थी। अभी तक इनका कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है, लेकिन तब भी इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। इनके पास इन्होंने जो लूट में मोटरसाइकिल अपाचे यूज की थी उसमें भी आगे पीछे नंबर नहीं है, उसके बारे में भी पता किया जा रहा है कि क्या ये मोटरसाइकिल इनकी अपनी थी या किसी घटना में लूटी हुई। कितने बजे अंजाम दिया गया था, क्या ये लोग पैदल थे? नहीं, ये लोग भी मोटरसाइकिल से ही आ रहे थे, अपने रिलेशन में गए थे, मोटरसाइकिल से ही आ रहे थे। सुबह भोर मतलब ये इस समय चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान ही इन्हें पकड़ा गया है। नहीं, अभी पूछताछ की जा रही है, इनसे विस्तृत रूप से पूछताछ की जा रही है। इनके बारे में पूछताछ की जा रही है, जिसमें एक लड़का लोकल यही रक्षा का ही रहने वाला है, दूसरा मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इनसे व्यापक पूछताछ की जा रही है। बात है कि ये अपने खर्चे के लिए बताए थे कि अपने लिए ही इन्होंने लूट की थी, उसको बेच के कार्रवाई। अभी इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। सर, 11 अगस्त को रक्षा थाना क्षेत्र में अभी झांसी से मोहम्मद साहब के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।